और आप यहाँ पे देख सकते हैं रेसलिंग शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ हद से ज़्यादा रश है। क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत ज़्यादा रश है भाई, देखने की जगह ही नहीं है। देखने की, चलो आप क्या बोलना चाहोगे रेसलिंग के हवाले से? ये भाई लगना वरना तो है ही नहीं। हाँ मुझे पता है, स्क्रिप्टेड ही है। मैं चाहता हूँ मुझे लेके चलो, नहीं शेड नहीं, वहाँ उतारूंगा रिम में। पक्का? पक्का उतारोगे? लोहे का सीना है, लोहे का। कैसे आप लोग? अच्छा, मैं यूजुअली पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप वगैरह में परफॉर्म कर चुका हूँ, और कुछ मैं WWE के रेसलर से भी विन कर चुका हूँ। इसमें बड़ा नाम राइनो का है। राइनो इज अ हार्टफुल लेजेंड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक इंडियन रेसलर, इंडियन जिसको मैंने बीट किया था नेपाल में। अजय जी, 10 साल से मैं रेसलिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, सब कुछ किया है, इंटरनेशनल टूर्स किए हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल से इन्वाइट किया है रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मेहनत कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, मार रहे हैं, हड्डियाँ तोड़ रहे हैं, अपनी भी तोड़वा रहे हैं आप लोग के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। पहले तो आपने देख लिया लड़के में, REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, थोड़ा गौर से सुनिएगा, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग स्टार्ट करने जा रही है, ये रेवोल्यूशन, वो भी पाकिस्तान की रेसलिंग हिस्ट्री में। और वो क्या है? अब बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी आपको रिंग में लड़ते हुए नजर आएंगी। Oh my God, and this is called real. बड़ा जबरदस्त, ये तो फड्डा लग रहा है, मेरे ऐसी मैच किया और छुड़वा दिया, और एक मैच में बड़ा जबरदस्त मैच किया नूर जहीर को वापस बुला रहे, मैं लग रहा हूँ नूर सही है, मैं जीत जाएंगे और किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल पे पहुंच जाएंगे इस मैच को हरा के। लेकिन इस मैच में बड़ा टक्कर का मुकाबला जा रहा है दोनों का, कि कौन जीतेगा, और ये इस बार एक्स मैच ने टाइम तोड़वा दिया 1-on-1।
और ये मैच बड़ा जबरदस्त जा रहा है, बहुत सी इनिंग में दोनों ने शासन किए और ये टेबल बॉल मारा इन्होंने, एच मैच ने बहुत जबरदस्त टेबल बॉल मारा, नूर साई को बहुत जबरदस्त इन्होंने साइड इफेक्ट लगाया और नूर साई फिर बड़े हुए साइड इफेक्ट के बाद और नूर साई ने चौप लगाया एच मैच को, चौप एक और चौप बहुत जबरदस्त नूर साई ने प्ले बैक किया और नूर साई इसको धक्का देते हुए 25 दिए नूर साई ने एच मैच को, जबरदस्त 25 मार रहे हैं नूर साई एच मैच को और नूर साई ने एच मैच को नीचे उठा के फेंक दिया, नूर साई के चाहने वाले बहुत है यहाँ पे, नूर साई को बहुत पसंद किया जा रहा है, नूर साई ने शायद एक बार एच मैच ने नूर साई को उठा के फेंका और दूसरी बार नूर साई ने एच मैच को नीचे उठा के फेंका, मुकाबला बहुत टक्कर का चल रहा है, कोई एक तरफा मुकाबला नहीं है ये और ये क्या ये साइन दिया नूर साई ने प्लेबैक किया, नूर साई ने ऐसे पकड़ लिया नूर साई उठा के फेंक दिया एच मैच को, एच मैच छुड़वा रहे पूरी कोशिश की एच मैच को लेकिन थ्री पे एच मैच उठ गए, अगर नूर साई मैच जीत जाते तो किंग ऑफ द वेस्ट के सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, अच्छा लोग पहले से सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं किंग ऑफ द वेस्ट के, हर तरफ नूर साई हो रहा है, नूर साई के चाहने वाले बड़े जोश और खरोच से, एच मैच का कोई चाहने वाला नहीं है, एच मैच का कोई है और ये दिया और एच मैच ने टर्न करके इनको फेंका नूर साई को और ये वासी ये शेफ क्या कर रहे हैं एच मैच और गॉड ये पिंक की तरफ लेके गए लेकिन इन्होंने कोबरा क्लच एच मैच ने सभी से पकड़ लिया कोबरा क्लच नूर साई को, कोबरा क्लच क्या नूर साई गिव अप कर पाएंगे, क्या नूर साई गिव अप कर पाएंगे, नहीं नूर साई ने भी छुड़वाया कोबरा क्लच, नूर साई और एच मैगी को ओ माय गॉड एच मैगी कोबरा क्लच छोड़ नहीं रहे, कोबरा क्लच नूर साई को छोड़ नहीं रहे और नूर साई भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, देखते हैं नूर साई को कब तक बचा पाएंगे, कब तक बहुत मुश्किल है, कमीशन हो गए एंड हियर इज द न्यू सेमीफाइनलिस्ट of this match. This is the remix of the long 3, 2, 1. और ये लॉक कर रहा है आयरन शेफ और क्रॉस लाइन फ्रॉम हेड एंड कायोन इज गिविंग पंचेस टू साहिल जी फ्रॉम हेड, देयर इज डेविस्टेटिंग किक, लगता है साहिल जी अब उठेंगे नहीं,
आज के लिए तेरी मार काफी है मेरे ख्याल में। साहिद जी अटैक नहीं कर पा रहे हैं और साहिद जी ने यहाँ पे कम बैक करा है, क्या उनको आयरनशिप दी है। और ये पावरफुल पावर बॉम्ब, वन टू किक आउट, टू मोर यहाँ पे बैक फेंटर किया गया। साहिद जी भी कम बैक कर रहे हैं, कायन भी कम बैक कर रहे हैं। अब ये ऑडियंस बताएंगे ये साहिद जी के साथ है या फिर कायन कायन या साहिद जी कायन कायन। यस दैट इज एनर्जी यार, साहिद जी भी है यार, वो भी जीतने के लिए आए यार। लेकिन मुझे देख के लग नहीं रहा कि साहिद जी कुछ कर सकेंगे, जिस तरीके से गाय उनकी धुलाई कर रहे हैं कोने में लगा के, और ये टर्न बगल के ऊपर चॉप्स चॉप्स और चॉप्स, ओह माय गॉड, शेख उतार के मेरे को लग रहा है चॉप्स से चॉप्स लगाए जा रहे हैं। वही टर्न बगल के पास धूप इतनी है, मोबाइल से ही बनी नहीं रही वीडियो। एन इज गोइंग फॉर अ मूव, एन इज गोइंग फॉर अ मूव, नो 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 नो, ऊपर से उठा लिया, मेरे को लग रहा है ये उठा के फेंक देंगे। अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पे साहिद जी को बहुत जोर से लगी है कि नेक पे। यस यू आर राइट, ये फिर एक के बाद दोबारा उठे हैं दोनों और ये फिर उठा के पटक दिया है कायन ने। शायद जी अटैक नहीं कर पा रहे हैं मेरे को लग रहा है। वन टू एंड किक आउट बाय शायद जी, मेरे को लग रहा है शायद जी को गरीबी लग गई है ज्यादा, अभी वो अटैक नहीं कर पा रहे। और ये सबमिशन पे ले लिया कायन ने, लगता है भाई थोड़ी सी आवाज लगाओ शायद जी, शायद जी शायद जी, नहीं शायद जी नॉकआउट हो गए। रेफरी मेरे ख्याल में पूछ ले साहिद जी नॉकआउट हो गए, वरना कायन को छोड़ेंगे नहीं, प्लीज पूछ ले प्लीज। यस इट इज अ नॉकआउट, आई थिंक इट्स अ नॉकआउट, विन द वेन, विन द वेन कायन इज योर विनर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड रिंग ऑफ द रिंग चैंपियन कायन एंड मेरे मोबाइल की हो गई थी चार्जिंग खत्म, तो बस ये बस मैं एक वीडियो बना सकता हूँ फिर मोबाइल बन जाएगा, तो इस वजह से रेसलिंग की ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई नहीं, बाकी रेसलिंग हो रही उस साइड पर रेसलिंग हो रही है, तो बस रेसलिंग वाले ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो चाहे वो लाइक करें सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।